खरगोन शहर के स्टेडियम मैदान पर 3 दिवसीय नवगढ़ ट्रॉफी हॉकी स्पर्धा की समारोह पूर्वक शुरुआत हुई। स्पर्धा में जिले सहित प्रदेश के 9 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही है। पहला मैच खरगोन और बैतूल के बीच खेला गया। दोनों टीमों ने जीत के लिए दमखम लगाया। अंततः बैतूल की टीम खरगोन पर भारी रही और 2-1 से स्पर्धा का पहला मुकाबला जीत लिया। स्टेडियम के हरे मैदान में हो रहे रोमांचक मुकाबलों के दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे खेल प्रेमी तालियां बजाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते रहे। जयराज दांगी ने बताया कि फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा, जिसमें विजेता टीम और उपविजेता टीम को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। हमारे खरगोन शहर में राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसके पीछे हमारी सोच है हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक कुल मिलाकर 100 से अधिक हॉकी के खिलाड़ी स्टेडियम मैदान पर प्रैक्टिस करते हैं और इनका ध्यान रखते हैं श्री जयराम दांगी, इकबाल सर, कक्का भैया, राकेश भाई कोच, खेलो इंडिया से आए हैं और हमारी मैडम भी बहुत ध्यान देती हैं बच्चों पर। और यह खेल 3 दिवसीय आयोजन है हमारा। इसके मुख्य अतिथि श्री बालकृष्ण जी पाटीदार। इसमें 9 टीमें बाहर की आई हुई हैं और 3 टीमें खरगोन की ली गई हैं। और इस आयोजन में देवास, उज्जैन, रतलाम, आसपास की राज्य की सारी टीमें आई हुई हैं। मेरा नाम श्री राम दांगी। उद्देश्य यही है टूर्नामेंट कराने का कि हम लोग हमारे जो बच्चे हैं, जूनियर बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहित करना है मैच खिलाने के बाद में। और खरगोन में हॉकी का स्तर जो है वो खरगोन की पब्लिक या जनता को बताना है। हम लोगों ने इसीलिए राज्य स्तरीय टूर्नामेंट आयोजित किया है, जिसमें नवग्रह हॉकी टूर्नामेंट के नाम से हमने राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया है, जिसमें हमने पार्टिसिपेट लगभग 12 टीमें कर रही हैं, जिनमें से बाहर की 9 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है हमारे साथ में, जिसमें हरदा, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, रतलाम, धार और रीवा, सतना, ऐसी सारी टीमें हमारे पास में आ रही है। और जिसमें मुख्य सहयोग हम लोगों को खेलो कल्याण द्वारा मिला जा रहा है, माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा, एसपी साहब भी, और हमारे अध्यक्ष विपिन मनोज भाई रघुवंशी और उपाध्यक्ष मनोज भाई के द्वारा हम लोगों को बहुत। और हम लोगों का फाइनल होगा संडे को, मतलब 29 तारीख, और इनाम राशि रखी है हम लोगों ने 21,000 और 11,000 रुपए। फर्स्ट प्राइज 21,000 और सेकंड प्राइज 11,000 रुपए का है। और आज हम लोगों का 6 मैच का शेड्यूल है, टाइट शेड्यूल है। आज 6 मैच खेले जाएंगे, कल 4 मैच खेले जाएंगे और परसों के रोज में 2 और 1 फाइनल होगा। मतलब कुल मिला करके कल परसों सेमीफाइनल और फाइनल होगा संडे के दिन। ये हम लोग आयोजन करा रहे हैं हमारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयराम दांगी है और मैं खेलो इंडिया फीडर सेंटर से हूँ। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।